All right. A uh, very good morning to all of you. Today we are going to solve the Q's on process synchronization. Right, the most awaited lecture as well. Okay.

It's, it says, now this uh, uh, is for gate 96, me tha. what is a critical section? direct question. critical section is a program segment which should run in a specified amount of time, which should avoid deadlock where shared resources are accessed or which must be enclosed by a pair of semaphore operations p and v. okay, just a second. let me see. is volume? okay. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जिसकी हम डिटेल डिस्कशन पिछले सेक्शन में कर चुके हैं ओके okay? पिछले वीडियोज लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इन नाइनटी एट दैट इज when the result of a computation depends on the speed of the processes involved there is said to be देखिए जब एक कंप्यूटेशन आप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस की कितनी स्पीड है वो अगर धीरे चल रहा है तो फिर उसकी कॉम्पिटिशन के हिसाब उसकी स्पीड के हिसाब से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो देखिए साइकिल स्टीलिंग का तो इससे कोई मतलब नहीं है साइकिल स्टीलिंग में तो यू आर स्टीलिंग का साइकिल दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर सीओ तो वो आ जाएगा टाइम लॉक भी नहीं है डेड लॉक भी नहीं है लेकिन

सॉरी इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है और दिस इज वॉट दिस इज योर एग्जिट सेक्शन एग्जिट सेक्शन में वो क्या कर रहा है जाते हुए इज टू कर दे रहा है है ठीक द वैल्यू हैज क्या कर रहा है मैथड विच इज यूज बाई प्रोसेस टू वो क्या कर रहा है वो चेक कर रहा है इज नॉट इक्वल टू तो वो एक ट्रैप में चला जा रहा है या इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन में ये क्या कर रहा है S2 is equals to not of S1. Okay. जो भी मेथड अब हमें करना क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी क्या इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अचीव हो रही है ऑप्शन में पूछ रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस

बहुत जगह पर आपको मतलब मिल जाता भी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है लेकिन एक मैं आपको एक तरीका बता रही हूं जिससे हमेशा आपका आंसर एक्यूरेट आएगा और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट आंसर की कोई जगह नहीं है शुड ऑलवेज बी एन एक्यूरेट तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन की आप कैसे अप्रोच रखेंगे कैसे करेंगे थोड़ा देखिए इसको आ, यहां बना लेती हूँ देखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्योंकि हमारे पास कितने प्रोसेसिस हैं मान लीजिए सॉरी uh, है ना ये पी वन प्रोसेस है और दूसरा पी टू प्रोसेस है और यहाँ पर कुछ इसका सिनारियो है ये yes no? देखिए जब दो प्रोसेस है आपको पता है जीरो ही कुछ आपके रूल्स बन सकते हैं तो यहाँ पर आप रूल बना लीजिए इफ बोथ आर फॉल्स तो क्या हो रहा है वन इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रूथ अब क्या हो रहा है और हमेशा इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा आई एम टेलिंग यू आपके आंसर हमेशा एक्यूरेट आएंगे एंड देन देर इज ट्रू ट्रू

कि दोनों का वैल्यूज जो है जीरो जीरो है यानी दोनों फॉल्स है ओके सो लेट्स जस्ट चेक अगर दोनों फॉल्स हैं तो यानी अगर पी वन ट्राई करेगा तो वो चेक करेगा क्या एस वन इक्वल टू इक्वल टू एस वन है यानी कि ये लूप में चला गया दैट मीन्स इट इज इन द इनफाइनाइट वेटिंग ये वेट कर रहा है तो ये यहां पर काम नहीं बन सकता है मान लीजिए मीन वाइल प्रोसेस टू अगर पी टू ट्राई करता है वो चेक करता है वाइल एस वन इज नॉट इक्वल्स टू एस टू तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या हो गई फॉल्स हो गई क्योंकि एस वन इज इक्वल यानी पी टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं तो यहां पर कौन एंटर करेगा क्लास पी टू ओके नेक्स्ट आप एक कंडीशन ले लीजिए लेट एस वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड अच्छा एस टू इज इक्वल्स टू वन अब जब पी टू एंटर करेगा आपको दिख भी रहा है जब पी टू एंटर करेगा वो जाते हुए क्या कर दे रहा है नॉट ऑफ एस वन एस वन का नॉट कितना हो गया वन वो किसको इनिशियलाइज कर देगा एस टू में यानी कि एस टू का वैल्यू वो जाते हुए क्या कर दे रहा है वन कर दे रहा है ठीक है यानी यही सिनारियो आ रहा है जो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ एस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एस टू इज इक्वल टू वन तो चलिए इसमें क्या हुआ चेक कर रहा है मान लीजिए पी वन चेक कर रहा है तो आपको दिख भी रहा है क्या एस वन एस टू के इक्वल है बिल्कुल नहीं है नहीं है यानी कि पी वन क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा डेफिनेटली करेगा तो यहाँ पर कौन एंटर करेगा पी वन एंटर करेगा ये और नो अब जाते हुए वो क्या कर दे रहा है वो कर रहा है एस टू का जो भी वैल्यू है ना दैट इज वन इज बी इनिशियलाइज टू एस वन दैट मीन नाउ एस वन इज इक्वल टू वन ओके बट ये केस हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे नेक्स्ट आप ले लीजिए जो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है एस वन का वैल्यू वन ले लेते हैं एंड एस टू का वैल्यू लेट्स से इट इज जीरो ठीक है, यानी वही सिचुएशन हो गया कि क्या है? अब आप क्या चेक कर रहे हैं आप चेक कर रहे हैं कि एस वन जो है वो एस टू के इक्वल है एंड जाते हुए तो आपने अभी देखा ही जब पी वन एंटर करेगा इट इज गोइंग टू मेक बोथ एस वन तो आप एज्यूम कर लीजिए लेट एस वन इज इक्वल टू वन एंड एस टू इज इक्वल टू वन ओके तो अब क्या होगा जब दोनों वैल्यूज सेम है तो दोनों वैल्यूज सेम है यानी अभी आपने ऊपर देखा जब दोनों फॉल्स थे वैसे ही आपने चेक करना है क्या एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू एस टू तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जा रही है तो कौन एंटर कर रहा है पी टू यानी यहाँ पर कौन एंटर कर रहा है पी टू तो इस सीनारियो से आपने क्या देखा वट वट यू हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस सीनारियो लेट मी जस्ट टेक एन इरेजर मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं ले रखा है ठीक है तो आपको इस सीनारियो से इस पिक्चर से क्या समझ में आया है क्लास आप चाहे तो लिख सकते हैं दैट दैट दिस टेल्स इफ एंड हैव द सेम वैल्यूज अगर एस वन और एस टू की सेम वैल्यूज होगी चाहे आप लिख लीजिए इधर ट्रू और फॉल्स तो कौन एंटर करेगा पी टू एंटर्सिकलेशन एल्स क्या हो रहा है एल्स इफ एस वन इज एंड एस टू इफ देव डिफरेंट वैल्यूज अगर इनकी डिफरेंट वैल्यूज है then P1 enters critical section. इसका मतलब आप डेफिनेटली इस पिक्चर को देख कर बोल सकते हैं दैट यज डेफिनेटली डेफिनेटली या फिर इसको ये भी बोला जाता है गारंटीड है म्यूचुअल एक्सक्लूजन सो डेफिनेटली म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज

ठीक है मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रही हूं इसको समझाने के लिए एंड देन वी विल मूव बैक ठीक है प्रोग्रेस के लिए जस्ट अ सेकंड राइट फॉर प्रोग्रेस प्रोग्रेस के लिए आप assume कर लीजिए लेट्स जस्ट एस वन का वैल्यू जो है वो जीरो है एंड एस टू का वैल्यू जो है वो वन है यानी आप जानते हैं जब दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो रही हैं तो आपने अभी ऊपर लिखा है कि कौन एंटर करेगा पी वन जो है इट एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन ठीक है और एग्जिट करते हुए एंड वाइल एग्जिटिंग ये क्या कर रहा है वॉट इट इज डूइंग इट सेट्स ये एस वन को भी वन कर दे रहा था ठीक है अब आपको ये चेक करना है सपोजेडली आप चेक कर लिए कि s1 is to 1 एंड s2 is to 1 इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है अगेन इफ मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि अगर p1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रहा है इफ p1 वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन क्या वो एंटर करेगा इट कैन नॉट एंटर वो एंटर नहीं कर सकता इट कांट एंटर क्यों जब तक p2 is रन नहीं करता एंड इट सेट और वो सेट नहीं करता क्या वैल्यू एस टू की वैल्यू जीरो तो करेगा यानी मैं ये बोलना चाह रही हूँ क्लास इफ प्रोसेस वॉन्ट्स टू री एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है फिर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए समझ में आपको आ जाएगा वट आई वॉन्टेड टू से Yes. तो अगर एक प्रोसेस जो है वो अगर दोबारा एंटर करना चाह रहा है मान लीजिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई और पीवन एंटर कर गया पीवन एंटर कर गया अब उसके बाद पीवन एंटर करने के बाद जो है अगर पी टू एंटर करना चाहता है तो वो नहीं करेगा अंटिल एंडलेस दिस एक्जिकंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड समझ में आ रही है तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्रोसेस रन करने के बाद उसको इमीजिएट दोबारा से मिल जाए कि यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अगर P1 को चांस मिला है उसके बाद P2 को चांस मिलेगा फिर P1 को चांस मिलेगा फिर P2 को चांस मिलेगा एंड सो ऑन बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू विच इज बिंग मेन्शन इन द एग्जिट सेक्शन ऑफ द सेकेंड प्रोसेस दूसरे वाले प्रोसेस के एग्जिट सेक्शन के ऊपर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो पहला वाला प्रोसेस रन नहीं हो रहा है यानी कि क्या इस सिस्टम में प्रोग्रेस है इसका मतलब क्या हुआ क्लास इस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रोग्रेस नहीं है है क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है एक प्रोसेस जितनी बार चाहे रन करना चाहे जब भी वो इंटरेस्टेड है वो रन करना चाहे प्रोग्रेस का मतलब ये है उसको रन करना चाहिए उसको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना ना तो यहां पर ये डिपेंडेंट हो रहा है मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाया सो हे द राइट आंसर इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ठीक है Next question the class. The next question is of the similar kind only. Now let us just assume that there are two processes X and Y, and they need to access the critical section, and you have to consider the following synchronization. Construct which is used by both the processes. So process X hai, ye kya kar raha hai? while true where P is equals to true, while where Q is equals to equals to true, then you have to enter the critical section. देखिए यहाँ पर सेमी नहीं है एंड पी इज इक्वल्स टू फॉल्स इसका ऑपोजिट होगा एकदम प्रोसेस वाई में

सिनेरियो क्या होगा दोनों फॉल्स हो गया एक फॉल्स एक ट्रू हो गया एक ट्रू एक फॉल्स हो गया एंड इन द लास्ट लेट्स जस्ट से कि दोनों जो वो आपके ट्रू हो गए देखिए मान लीजिए अगर दोनों ही फॉल्स है ठीक है जो शेयर्ड वेरिएबल ने यूज किया दोनों ही फॉल्स है यानी क्या होगा नथिंग वुड एंटर कुछ एंटर नहीं करेगा कोई भी रन नहीं करना चाहता तो नथिंग वुड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन आप देख भी सकते हैं इसमें से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा अब मान लीजिए कि अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है ठीक है सो लेट मी जस्ट से अगर मैं प्रोसेस प्रोसेस को ट्राई ट्राई कर कर रही हूं लेट मी जस्ट तो ये चेक कर रहा है वैर पी इज इक्वल टू ट्रू ठीक है इसने जो अपना वेरिएबल है उसको ट्रू सेट किया और ये चेक कर रहा है क्या क्यू जो है अब, अब करके चलिए कि यहां पर जो वैर क्यू है दैट इज इक्वल टू इक्वल टू ट्रू अगर ये इक्वल टू इक्वल टू ट्रू है दैट मीनस इट इज गोइंग टू वेट इसको यहां पर रुकना है अब आप नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वैर क्यू ट्रू है वो देख रहा है क्या पी भी इज इक्वल टू ट्रू है यहां पर आपका कौन सा प्रोसेस एंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में दैट इज वाई लाइक वाइज ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हैं इट वुड एंटर एक्स अब हमें ये चीज डिस्कस करनी है अगर दोनों ही ट्रू हो गए मान लीजिए यहाँ पर उसने पी ट्रू करा और नेक्स्ट वो देख रहा है कि क्यू इज इक्वल टू ट्रू है और लाइक वाइज एट डिस इंस्टेंस ऑफ टाइम ओनली मान लीजिए इस प्रोसेस में भी अगर वेर क्यू जो है उसने ट्रू किया और वो देख रहा है कि वैरपी भी अभी ट्रू है यानी इस प्रोसेस में दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं वेट कर रहे हैं और वेट ऐसा कर रहे हैं ना ही दोनों रन कर रहे हैं और ना ही दोनों चल रहे हैं दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है मैंने आपको शेड्यूलिंग में भी बताया था अगर एक प्रोसेस वेट कर रहा है इन द रेडी स्टेट इफ अ प्रोसेस इज वेटिंग इन द रेडी स्टेट तो आप बोल सकते हैं कि वो उस प्रोसेस को शायद देर इज अ चांस देर इज अ होप देर इज अ होप ऑफ गेटिंग द क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है उसको कुछ वक्त बाद गेटिंग द क्रिटिकल सेक्शन या अगर कुछ उसको रिसोर्सेज चाहिए वो मिल जाएंगे क्योंकि वो अभी रेडी क्यू में वेट कर रहा है इज नॉट अ डेडलॉक ये डेडलॉक नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर एक प्रोसेस वेट कर रहा है किसी एक रिसोर्स के लिए जो की कोई दूसरा लेके बैठा है और इस प्रोसेस के पास भी कोई रिसोर्स है जिसके लिए कोई दूसरा वेट कर रहा है लाइक दैट इज ऑल्सो वेटिंग टू वैसी चीज यहां पर हो जा रही है तो इस सिचुएशन में एक साइकिल फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पर यू कैन से दैट देर इज अ डेडलॉक जो इस सिचुएशन में हो रहा है देखिए वैर पी जब ट्रू हो रहा है तो वो चेक कर रहा है तो वो इनिशियलाइज कर रहा है इसको ट्रू से तो वो चेक कर रहा है कि अभी तो वैर क्यू जो है वो ट्रू बैठे हैं जबकि अभी तक उनको क्या लग रहा है जब यहाँ पर व्यर क्यू जब चेक कर रहे हैं प्रोसेस पी जब यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि वैर पी ये भी ट्रू है यानी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोनों बोल रहे हैं कि अभी ये भी ट्रू है सो लेट मी वेट अभी वो भी ट्रू है सो लेट मी वेट तो इनमें से कोई भी अभी रेडी स्टेट में नहीं है कोई भी रेडी में नहीं है अभी भी किसी को भी शेड्यूलर को कोई प्रोसेस मिला नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव एनीथिंग गुड तो यहां पर आप डेफिनेटली बोलेंगे दैट दिस सिचुएशन इज ए डेड यानी कि यहाँ पर डेडलॉक है अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी आप सर ना ऑप्शन को ध्यान से देखिए कहां वर्ड यूज किया क्लास देखिए गारंटीज ठीक है और अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन ही अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो उसके अंदर कुछ वर्ड आपको गारंटी नहीं मिलेगा या फिर कहीं आप देखेंगे एक वर्ड होता है इंश्योर देखिए क्लास बहुत अच्छे से ये बात सुन लीजिए जो गारंटी वर्ड होता है और जो इंश्योर्स वर्ड होता है इन दोनों बातों में डिफरेंस है गारंटी का मतलब ये है जितने भी केसेस होंगे एज मेनी केसेस आर देयर उन सबके लिए उन सारे केसेस के लिए कोई ना कोई प्रोसेस को एक वक्त में ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस वुड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इस वर्ड का मतलब है गारंटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हम ये सब गलतियां कर देते हैं एग्जामिनेशन में करनी नहीं है हमें ठीक है करने की गुंजाइश नहीं है हम सबको नौकरी चाहिए हम सबको जॉब चाहिए ठीक है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है गारंटी का मतलब है जैसे मैं ऊपर केसेस बना रही हूँ ना जैसे यहाँ पर जितने केसेस है अब देखिए क्या इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है गारंटीड नहीं है तो सम एक्सटेंट आप बोलेंगे मैम यहाँ पर देखिए ना अगर ये एक फॉल्स है ये एक ट्रू है तो यहाँ पर तो वाई जा रहा है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो यहाँ पर तो एक्स जा रहा है तो जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है यहाँ पर लेकिन टू सम एक्सटेंट

Deadlock occurs. Deadlock, ho hai. So that means it fails to prevent deadlock also. So here the right answer should be which option? Option number D. What is it? It says that the proposed solution fails to prevent deadlock and it fails to guarantee mutual exclusion. Okay. I hope I am making myself clear. Aage chalte. Hai. Next question. देखिए क्लास ये जो डाइनिंग प्रॉब्लम है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और हर बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन तो इसका एक अलग डिस्कशन डिटेल्ड डिस्कशन होना जरूरी था तो मैंने डिस्कशन किया है और अगर आप बोलेंगे तो इसके में uh, बोलेंगे क्या मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और वो वाला जो लेक्चर होगा ये डाइनिंग फिलोसफर्स वाला इसके अंदर मैं आपको ये वाले लेक्चर का भी लिंक दे दूंगी ताकि आप दोनो, दोनों जो दोनों सेक्शन रिलेटेड चीजें हैं कुछ मिस ना करें तो डाइनिंग उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है आप देख लीजिएगा और उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वहीं पर एक्सप्लेन कर दिए तो ये वाला क्वेश्चन आप वहीं से देख लीजिएगा ओके मुझे लगता है आप ये चीज वहां से देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस वाले क्वेश्चन को आप वहां से चेक करिएगा मैंने ये करवाया है और नेक्स्ट एक ये जिसमें बार बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ मैम म्यूटेक्स क्वेश्चन है क्लास ये म्यूटेक्स का क्वेश्चन नहीं है ये आपका डाइनिंग फिलोसफर्स का क्वेश्चन है डाइनिंग

जस्ट ओनली फॉर टू प्रोसेस दो ही प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंट होता है आपको पता है यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स यूज करते थे एक था आपका टर्न वेरिएबल जिसकी टर्न आएगी और दूसरा वेरिएबल हम जो यहाँ पर यूज कर रहे थे वो था इंटरेस्टेड वेरिएबल ठीक है तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही कोड है और आपसे पूछ रहा है लेकिन मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमें हमने क्या किया था या क्या कर रहे थे हम लोग

एंट्री सेक्शन ऑफ द प्रोसेस और यहां पर क्या हो रहा था इंट अदर अदर इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोसेस देन इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल्स टू आपको भी ये सब चीजें याद हो जाए तो और अच्छी बात है टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस देन यहां पर हम चेक कर रहे थे वाइल

हमारा कुछ इसका सॉल्यूशन हो रहा था ये सॉल्यूशन था हमारा पेटर्सन एल्गोरिथम वॉज अवर सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन था ये आपको सारे बेसिक जो आपके नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हो रहे थे कौन कौन से नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहा था प्रोग्रेस आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था बाउंड्रेड वेटिंग प्रोवाइड कर रहा था और पोर्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा था ठीक है तो ये आपका एक सॉल्यूशन था तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर हमारे पास ऊपर स्पेस है हाँ तो यहीं पे कर लेते हैं दैट वुड बी ओके चलिए आप एक इमेजिन दैट इनिशियली आप initially ये कि जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है और जो टर्न वेरिएबल है ये दोनों के दोनों क्या है, Zero है. और imagine कि अगर P1 जो है वो 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 करता है and he wants to enter the critical section, तो वो क्या करेगा? वो interested of P1 को ट्रू कर देगा यस और नो और जो टर्न होगा P1 का वो भी उसको भी क्या कर देगा ट्रू कर देगा अब वाइल्ड कंडीशन में चेक होता है वाइल्ड कंडीशन में क्या चेक होता है क्या सेकेंड वाला इंटरेस्टेड तो नहीं है और अभी आप देखेंगे कि सेकंड वाला का जो इंटरेस्ट है इनिशियली फॉल्स था एंड आप चेक कर रहे हैं कि जो टर्न है वो तो पीवन की है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस 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 इज फॉल्स क्योंकि इज फॉल्स सो हेयर द आंसर टू फॉल्स एंड दिस इज ट्रू द आंसर टू फॉल्स एंड ट्रू बिकॉज देर इज एन एंड तो क्या होगा इट इज फॉल्स तो ये क्या आपको रिजल्ट दे रहा है फॉल्स फॉल्स दे रहा है यानी P1 enter कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में येस सो इट The section, और प्रियम्पन में, में अगर पी टू एंटर करना चाह रहा है तो क्या होगा सपोज इटली इफ पी टू वॉन्ट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन वो interested P2 को क्या कर देगा क्लास टू कर देगा और टर्न भी जो है पीटू की क्या कर देगा क्लास वन कर देगा फिर पीटू चेक करेगा इंटरेस्टेड ऑफ इज टू ट्रू आप देख रहे हैं जो पी वन है वो तो अभी इंटरेस्टेड है ही एंड जो टर्न है वो पीटू की क्या हो गई है ट्रू तो ये भी है पीटू की टर्न भी अभी आई है ये भी ट्रू है यानी बोथ ट्रूज आर गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट ऑफ ट्रू अगर दोनों ही यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू हो हाँ गए पर यह क्या करेगा इट गॉट स्टक इट गॉट स्टक एंड Therefore, it waits. और इसीलिए ये क्या करेगा ये वेट करेगा अब मान लीजिए मीन वीवन इज रीशेड्यूल्ड पीवन फिर से शेड्यूल्ड हो गया और आप जानते हैं कि पीवन जो है उसको अपना क्रिटिकल सेक्शन फिर से क्या करना है फिनिश करना है तो वो तो क्रिटिकल सेक्शन में था वो फिर से क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्ट एंटर करेगा और जाते सार वो एग्जिट सेक्शन में क्या कर देगा इन द एग्जिट सेक्शन ऑफ पीवन

टर्न ऑफ पी टू इज इक्वल्स टू वन तो जो इसका इंटरेस्टेड फॉल्स है और यहाँ पर टू है तो दोनों कंडीशन का आंसर क्या हो जाएगा टोटलिटी फॉल्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी टू को चांस मिल जाएगा तो यानी हमने यही देखा था अगर आपको ध्यान भी है इफ यू कॉल इफ यू रिमेम्बर हम लोग जब पेटर्सन सेलगोरिथम पढ़ रहे थे तो हमने यही देखा था कि अगर एक प्रोसेस जो है मतलब एनी ऑफ द प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो जा सकता है ठीक है तो ये जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक फैशन में काम करता है ठीक है लेकिन मान लीजिए अगर जैसे अभी आपने यहां पे चेक किया कि P2 को चांस नहीं मिला था क्योंकि P1 ऑलरेडी रन कर रहा था तो एक साइकिल में नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में उसको डेफिनेटली चांस मिल जा रहा था ओके तो इसी के ऊपर डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लास पहले मैं बता दूं क्यों म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है इसमें होता है क्यों होता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एंट्री सेक्शन में जो वाइल्ड कंडीशन होती है वो क्राइटेरिया चेक कर रहा है दो वेरिएबल का और एक प्रोसेस तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक की कोई दूसरा इंटरेस्टेड है ठीक है और वो अपना टर्न वेरिएबल को जब तक अपडेट नहीं करेगा तब तक कोई पहला प्रोसेस जा नहीं सकता है यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो डेफिनेटली इसके अंदर है प्रोग्रेस इसके अंदर क्यों है क्लास क्यों बोला जाएगा कि प्रोग्रेस प्रोग्रेस है है इसके अंदर progress इसलिए है क्योंकि अगर कोई अनुटरेस्टेड प्रोसेस है अगर कोई प्रोसेस जाना नहीं चाहता है वो क्या दूसरे किसी प्रोसेस इंटरेस्टेड प्रोसेस को अंदर जाने से रोक रहा है नहीं रोक रहा है दैट मीन प्रोग्रेस इज ऑल्सो देयर नेक्स्ट बोला जाता है कि बाउंडेड वेटिंग है बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर डेडलॉक कभी नहीं होगा डेडलॉक इज नेवर गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो ऑफ पटर्सन अलगोरिथम सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोसेस सबसे पहले टर्न वेरिएबल को सेट करेगा वही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा दैट इज फॉर श्योर और अगर एक प्रोसेस बीच में प्रियम्प्ट भी हो जाता है तो उसको कभी ना कभी तो क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट चांस में ही कभी ना कभी क्या नेक्स्ट चांस में ही उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना ही मिलना है सो दैट मींस डेडलॉक यहां पर नहीं है यानी बाउंडेड वेटिंग इज ऑल्सो अश्योर्ड एंड द लास्टिंग क्या ये जो सिनारियो uh, है ये पोर्टेबल है हां जी ये पोर्टेबल है ठीक है तो इस तरह का जो क्वेश्चन है क्लास अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय द मैंने यहाँ पर आपको एक जस्ट दे दिया फिर से ये जो पर्टर्सन सॉल्यूशन है इसका एक एग्जांपल देके मैंने आपको फिर से बता दी ये चीजें आई होप दिस टाइम आई एम मेकिंग माई थिंग्स मोर क्लियर एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कॉमेंट जरूर करिएगा वी विल बी रिप्लाइंग यू बैक ओके <coughs> दो प्रोसेस है आपको पता है दो प्रोसेस के लिए चलेगा आई एनजे यहाँ पर क्या चेक कर रहा है चेक कर रहा है फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू एंड टर्न इज इक्वल एंड देन यू टू सेट फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स एंड देन यू हैव टू परफॉर्म नॉन क्रिटिकल सेक्शन एक्शन फॉल्स ठीक है तो ये आपको नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है कुछ फंक्शन

J. Right? So here the right answer should be option number B. Clear? Next te, next question. Moving towards the next question. Now there are two processes P1 and P2, and they need to access a critical section of the code. You need to consider the following synchronization construct used by the process. Here it is saying that P1 is uh, doing something like

समझ में आ रही है बात इनश्योर चीज अलग होती है और आपका यू you नो know, मतलब मैं क्या बोलूं गारंटी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा यानी कि इंश्योर इनश्योर हमको हम, इंग्लिश नहीं समझ में आती है हमको बात ही नहीं समझ में आती है हम लोग गलत ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं ऐसे नहीं करना है इंश्योर और गारंटी ये कहीं ये मैंने ये एनालिसिस करके देखा है तो आपको भी अब इतना सेंस हो जाना चाहिए कि एनालिसिस करें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भाई एक भी ऑप्शन में आ गया आप आंसर टिक कर देंगे गलत करते हैं हम लोग टाइम का शॉर्टेज है लेकिन हमने इसमें सारे के सारे ऑप्शन को ट्राई करना ही करना है वी हैव नो अदर ऑप्शन तो यानी पर अगर एक भी इस वाले केस में अगर एक में भी एंटर हो रहा है दो में भी एंटर हो रहा है क्योंकि इसने वर्ड क्या यूज करा इंश्योर तो हम बोल देंगे हाँ जी भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इट इंश्योर बट अगर अगर उसने बोला होता ना गारंटी तो आप नहीं लिखोगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है ये बातें आपको खुद भी अब अप, अपने आप आपको निकालना है ठीक है तो चलिए और क्या पूछ रहा है इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग it requires that the process enter the critical section in the strict alteration manner it does not prevent deadlocks but ensure mutual exclusion. in any way we have to calculate the scenario jo main aapko pehle bata chuki hu chaliye iske parallel hi bana lete hain mere paas do process hai p1 p2 और क्या सिनेरियो हो रहा है दोनों फॉल्स है एक ट्रू है एक फॉल्स है एक फॉल्स है एक ट्रू है और दोनों के दोनों ट्रू है ठीक है अब आप चेक करिए अगर दोनों फॉल्स हैं अगर ये भी फॉल्स है s1 और ये भी यानी तो क्या कर रहे हैं बोथ इज बोथ आर वेटिंग दोनों के दोनों वेट करेंगे नेक्स्ट क्या है एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका वोंट ऑफ s1 जब आपने यहाँ पे ट्रू करा है ठीक है लाइक दैट एंड देन यू आर चेकिंग व्हाइल s2 इज इक्वल टू इक्वलिए इस वाली कंडीशन में आपका ट्रू और फॉल्स में कौन एंटर करेगा पी वन लाइक वाइज फॉल्स और ट्रू में कौन एंटर करेगा पी टू ये मैंने ऊपर बता दिया बार बार नहीं बताऊंगी अब आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं अगर दोनों ट्रू है अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या हो रहा है दोनों ही वेट कर रहे हैं यानी दिस सिचुएशन इज नोन एज डेड लॉक येस और नो अब यहां पर आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन में आप ऑप्शन को देखकर आप क्या सिलेक्ट करेंगे इट डज नॉट इन्श्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो देखिए ना ये दो केसेस में है इंश्योर बोल रहा है गारंटी नहीं बोल रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस चीज में है यानी कि ये ऑप्शन इज रॉन्ग दिस ऑप्शन इज रॉन्ग नेक्स्ट वो बोल रहा है इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग बाउंडेड वेटिंग के लिए तो पहले आपको ये चेक करना है कि डेडलॉक है अगर डेडलॉक है तो दैट मीनस बाउंडेड वेटिंग शुड बी देयर सो इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग इज अगैन रॉन्ग फिर बोल रहा है इट रिक्वायर्स द प्रोसेस टू एंटर द सेक्शन स्ट्रिक टोल्ट्रेशन स्ट्रिक टोल्ट्रेशन में कहा जा रहे हैं ये लोग नहीं एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो द राइट ऑप्शन सेट इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक आपने देखा डेडलॉक तो इसके अंदर आकर हो ही गया बट इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्शन डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर येस और नो क्लास यही होना चाहिए ठीक है प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो यहां पर वर्ड आप क्या होता है एंड गारंटी वर्ड आप ध्यान में रखकर ही इस तरह के क्वेश्चन करेंगे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अभी मैं इतना अच्छे से समझा रही हूँ पढ़ा दे रही हूँ फिर भी आप लोग हो सकता है गलती करेंगे इसीलिए गलती ना हो आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा ताकि ये चीज आप भूले ना ठीक है इसको बार बार दिमाग में जब तक नहीं जाएगा ना आप भूल जाएंगे यू विल मेक मिस्टेक

एग्जीक्यूट कर सकता है कोई पुरानी स्टेटमेंट के बीच में पहले एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है तो यानी कि सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इन स्टेटमेंट्स को नंबरिंग दे दीजिए ये देना जरूरी है this is important and then you have to calculate the number of the listing values that we can possibly take after execution theek hai ab aapko isko is question ko class kuch cases mein aapko solve karna padta hai kyunki ye case possible hain sabse pehle aap case 1 le lijiye ki pehla statement 1 run karega fir statement 2 run karega fir statement 3 run karega fir statement 4 run karega तो पहले statement 1 को run करते हैं, initially आप जानते हैं कि b का value जो है वो class क्या है 2 so c is equals to 2 minus 1 that is equals to 1

अब मैं प्रोसेस को पहले पहले चला रही डी का वैल्यू कितना हो गया टू इंटू टू टू इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर बी का वैल्यू फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री सी का वैल्यू बी माइनस वन

एंड देन इसका सी इज इक्वल टू बी माइनस वन विच एम्प्लाई टू माइनस वन इज इक्वल टू फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू क्या था टू माइनस टू इंटू टू इंटू वन दैट इज इक्वल टू टू यानी कि यहां पर फाइनल वैल्यू बी का कितना आ गया और कोई केस बन सकते हैं डेफिनेटली बन सकते हैं अब मैंने शीट ले नहीं रखा है चलो मैं इसको इरेज कर लेती हूं पहले केस नंबर फोर ले लेते हैं हम ठीक है अभी आपने क्या नोट किया बी की वैल्यू जो है वो थ्री आई है बी की वैल्यू जो है वो फोर आई है और लास्ट में बी का वैल्यू कितना आया है टू आया है ये तो हमने देख लिया चलिए अब हम लोग थोड़ा सा केस थ्री के बाद केस फोर देखते हैं केस नंबर फोर ऐसा हो सकता है कि मैं पहले थ्री रन करा दू फिर वन रन करवा दू फिर टू रन करवा दू उसके बाद फोर डी इज इक्वल टू वन इज़ इक्वल टू टू इंटू वन इज इक्वल टू फोर माइनस अगैन दैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट केस नंबर फाइव में आप ऐसे ले लीजिए वन पहले आप वन रन करिए फिर आप थ्री रन करिए फिर आप टू रन करिए फिर आप फोर ये भी हो सकता है कितना है फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री यानी फिर से क्या आ गया वैल्यू बी इज इक्वल्स टू थ्री और कोई केस बन सकता है ऐसे आपको सारे केसेस ट्राई करना जरूरी है तो एक और केस आप ले सकते हैं यहां पर एक मिनट रुको इसको भी करने दो कौन सा केस केस नंबर सिक्स ऐसे भी तो हो सकता है पहले थ्री चल रहा है फिर वन चल रहा है फिर फोर चले फिर टू चले हो सकता है ना पहले थ्री चल रहा है फिर वन चल रहा है फिर फोर चल रहा है फिर टू चल रहा है हो सकता है यानी कि क्या होगा थ्री क्या था डी इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर सी इज इक्वल टू टू माइनस टू वन फिर क्या था बी इज इक्वल माइनस टू टू विच एम्प्लाइज दैल्यू बी इज इक्वल टू टू यानी आपने क्या देखा बार बार आप यही देख रहे हैं कि b का वैल्यू या तो टू आ रहा है या तो b का वैल्यू थ्री आ रहा है या तो b का वैल्यू फोर आ रहा है सो दैट मीन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वी आर पॉसिबल आफ्टर एग्जी क्यूशन ठीक है अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे एक मिनट जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए एक बार जस्ट गो थ्रू इट एक मिनट में बस पानी पी रही हूं एक सेकेंड क्लास बस आप लोग करिए एक मिनट बस मुझे दीजिए हां right, right. yes, okay. जी चलिए ये हो गया आप आपका क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दिस इज ऑन सिमाफर दर इज अगर विच इज इनिशियलाइज टू टेन एंड देन सिक्स पी दैट इज द वेट ऑपरेशन आपको पता है इंटरजर वेरिएबल एक एक है जिसके ऊपर दो ऑपरेशन वेट एंड सिग्नल होते हैं या फिर आप इसको वेट एंड रिलीज बोल सकते हैं गिवेन है ठीक है तो आपको इनिशियली इसका वैल्यू कितना गिवन है क्लास टेन आपने बोला इसके बाद आपने उसके ऊपर सिक्स पी ऑपरेशन लगाने की सिक्स वेट ऑपरेशन लगाने दैट मीन्स विच एम्प्लाइज टेन माइनस सिक्स दैट इज नथिंग बट फोर और इसके बाद आपने उसके ऊपर फोर वी यानी कि सिग्नल करना है तो दैट मीनस इज फोर प्लस फोर दैट इज इक्वल्स टू एट ये नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ये बोल रहा है कि सीमा फिर ऑपरेशन जो है ये होते हैं क्यों बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटेड विद इन सिस्टम यहां पर आपका आंसर होना चाहिए कर्नल ये कभी भी यूजर मोड में आप रन नहीं करेंगे कर्नल में रन करेंगे क्यों इन ऑर्डर टू अवॉइड द यूजर लेवल थ्रेड्स और दी इंटरप्ट्स यस और नो तो यहां पर आप कर्नल बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्लास At a particular uh, time of computation, the value of a counting semaphore is equals to seven. Then there are twenty p operations. yani ki seven minus twenty, that is equals to minus thirteen being operated, and then there are fifteen v operations, which implies minus thirteen plus fifteen, that is equals to two is the answer, which is the final answer of the semaphore. Okay. Next question, let class. अब ये कुछ सिमाफर के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे सिंक्रोनाइजेशन डाइनिंग प्रॉब्लम ये सारी बातें आई आईमिंग आप लोगों को समझ में आ रही है अब हम लोग नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन करेंगे द क्रिटिकलिटी वुड बी मोर डिफिकल्ट नाउ ठीक है इस तरह के क्वेश्चन लेकिन मैं आपको करवा दे रही हूँ और मैं बार बार बोल रही हूँ टेस्ट सीरीज में थोड़ा और क्रिटिकल कर दिया जाएगा uh, जो पेपर सेटर हैं वो इसको थोड़ा और क्रिटिकल कर देंगे मैं ऐसा बोल दूंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग इसको लगा सके एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वीडियो सॉल्यूशन भी

कि आपका ये आंसर आ जाए तो आपको फर्स्ट वाला जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि आपने W पर PS लगा दीजिए X पर VS चलिए इसको फटाफट -फड़ ट्राई करते, है, है है। कर करते हैं दैट वुड ओके मैंने स्पेस दिया है यहाँ पे चलिए हम ऑप्शंस को लेकर ट्राई करते हैं लेट्स जस्ट

1 1 एंड देन देयर इज vt समथिंग लाइक दिस आप अज्यूम करिए ठीक है ठीके? अब होगा क्या आप कोड देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से मान लीजिए अगर p लेट्स जस्ट से दैट इफ p रनस फर्स्ट मैं लिखती हूं आपके लिए ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इफ p रनस फर्स्ट देन q मान लीजिए पहले p रन करेगा उसके बाद अगर q रन करेगा तो अगर आप देखेंगे जो s है जो एस का वैल्यू है इनिशियली कितना था क्लास वन तो जब पी पहले रन करेगा तो ये क्या करेगा इसको डाउन कर रहा है यानी कि इसकी वैल्यू को इसने डाउन कर लिया डाउन करने के बाद ये दो जीरो पर प्रिंट करा रहा है ठीक है और यू कैन सी कि अगर अब ऐसा हो सकता है कि मीन वाइल क्यू अगर रन करना चाह रहा है लेट्स से टी इज इक्वल्स टू टी भी क्या वैल्यू क्या है वन ठीक है टी का वैल्यू भी क्या है वन इसको ये डाउन करेगा यानी कि जीरो कर देगा यहां पर भी क्या वैल्यू आएगा वन वन ठीक है तो ऐसा हो सक रहा है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है जीरो जीरो बीच में कंटेक्ट स्विच होने के बाद वन वन फिर जाते सार एस को क्या कर दिया जा रहा है वन यानी कि फिर से ये वन हो जा रहा है फिर से अगर चाहे तो ये चल सकता है इट कैन रन इन दिस वे एंड लाइक दिस यानी कि ये स्ट्रिंग तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन से मिल रहा है और ऑप्शन में पूछ रहा है इट विल ऑलवेज लीड टू द आउटपुट स्ट्रिंग अब आपको ऐसा ट्राई करना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें ये स्ट्रिंग ना भी बने ठीक है तो यानी कि यू कैन इलिमिनेट दैट ऑल्सो तो एक कोशिश आप ऐसे कर सकते हैं दट वॉट इफ क्यू रन फर्स्ट अगर क्यू पहले रन करेगा देन पी तो आप देख सकते हैं जब क्यू पहले रन करेगा टी का वैल्यू इनिशियली वन था उसने उसको जीरो करा तो उसने वन वन पहले प्रिंट करा दिया ओके okay. अब

जीरो दीजिए यस एस इज वन एंड टी इज देन यू हैव टू राइट पी ऑफ एस एट डब्ल्यू वी ऑफ टी एट एक्स यानी पी एस ठीक है? बना लेते हैं इसको भी जीरो P, जीरो P फिर वी ऑफ टी है यहां पर पी ऑफ टी वन वन फिर वी ऑफ एस है

ऑलरेडी डाउन है क्या पी ऑफ टी रन होगा नहीं होगा अगर ये इन बिटवीन कंटेक्स में आ रहा है ये तब तक नहीं चलेगा जब तक एस बाहर नहीं निकलेगा जब तक एस एग्जिट सेक्शन में वी ऑफ टी यानी अप नहीं कर रहा है करेगा समझ रहे हो तो अब इसको क्या कर रहा है कि नेक्स्ट में जाके क्या कर रहा है ये कर रहा है वी ऑफ टी इज इक्वल टू वन यानी कि अब इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है क्लास वन वन हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं देर वुड बी जीरो जीरो वन वन एंड सो ऑन तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अब मान लीजिए आप बोलेंगे मैम अगर हम इसका ऑपोजिट रन करें अगर हम पहले क्यू रन करना चाहें तब पी रन करना चाहिए तो हो ही नहीं पाएगा ना देखिए पहले क्या बोल रहा है पी ऑफ टी इज इक्वल टू यानी आपको इसको डाउन करना है टी का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो बोल रखा है क्या टी का वैल्यू ऑलरेडी जीरो होने के बाद ये जीरो होगा आपको पता है वेट का मतलब क्या होता है इफ इट इज इक्वल टू जीरो इट इज लेस देन जीरो देन यू कैन नॉट डू इट देन यू आर इनटू द ट्रैप यू आर इनटू द व्हाइल लूप इट इज गोइंग टू कीप वेटिंग ठीक है तो यानी कि क्या होगा यहां पर ये यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है आप इसको कैसे डाउन करेंगे ठीक है तो हेंस वी कैन कंक्लूड हेंस वी कैन कंक्लूड दैट सीक्वेंस दैट द सीक्वेंस में ऑलवेज फोर्स ये सीक्वेंस हमेशा किसको फोर्स करेगा प्रोसेस पी To run first and then process Q, and the string would be and the desired string would be 00110011 and so on. So that means yes to this particular question, which is the right answer here. Right answer is option number B. All right. Its classic or further part. will discuss kar Further part, that which of the following will ensure that the output string will never contain a substring 0 01 raised to the power n 0 or 1 जीरो पावर एन वन वेयर एन इज ऑड यानी ये स्ट्रिंग्स होनी नहीं चाहिए तो आप कोशिश करिएगा ऐसे ऐसे ऑप्शन जिसमें यह स्ट्रिंग अवेलेबल हो जा रहा है यानी कि वो ऑप्शन क्या है क्लास रॉन्ग है ठीक right है. है अब मैं पहले देख लू इस तरह के क्वेश्चन कराने के लिए मेरे पास मैंने स्पेस दिया है खुद को नहीं दिया है एक मिनट मुझे दीजिए मैं इसको सबको इरेज कर लेती हूँ आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या हुआ हैंग होगा ऑल राइट इसको मैं एक मिनट इरेज कर लेती हूं और यहीं पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ भाई ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ आप लोग को खुद भी ट्राई करने हैं क्वेश्चन दोबारा से ठीक है और कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस आप बनाएं या कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बताएंगे हमको ठीक है बार बार हैंग हो जा रहा है एक सेकेंड रुकिए क्लास हाँ सेकेंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी चलिए जितना हुआ अब स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट कर लेंगे एनीवेज हो रहा है क्विकली राइट right. चलो जी अब क्या करना है कि ये वाला स्ट्रिंग ना आए यानी कि आप ये पहले चीज को ध्यान से समझिए कि जो आउटपुट है इट शुड नॉट कंटेन उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए जीरो, जीरो और वन जीरो मान सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जीरो वन जीरो स्ट्रिंग होना नहीं चाहिए इट शुड नॉट बी देयर ओके okay. तो ऑप्शन वन में क्या कर रहा है कह रहा है एन आर इनिशियली वन एंड यू हैव टू डू पीएस चलिए एक एक ऑप्शन लेके करते हैं ऑप्शन नंबर ए ठीक है एस का वैल्यू वन है टी का वैल्यू वन है पी है और क्यू है बोल रहा है पीएस एस जीरो जीरो वी एस पी टी वन वन वी समथिंग लाइक दैट ओके तो चलिए इसको चेक करते हैं ऑप्शन ए मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा एस रन करना चाह रहा है वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इज टू ये जीरो हो जाएंगे और जीरो होने के बाद हमारे पास एक जीरो प्रिंट भी हो गया मान लीजिए यहां पर ना क्लास कंटेक्सट स्विच हो जाता है ठीक है अब टी का वैल्यू भी वन है ये भी इसको डाउन कर कर क्या प्रिंट करवा देगा वन मान लीजिए इसने फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी तो नाउ आवर स्ट्रिंग इज जीरो मान लीजिए इसके बाद फिर कंटेक्स स्विच हो जा रहा है कंटेक्ट स्विच हो जाने के बाद एस को फिर से मौका मिल गया और एस तो ऑलरेडी डाउन था यानी कि इट कैन डेफिनेटली प्रिंट दीरोट मीन जीरो और जीरो वन जीरो द स्ट्रिंग आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है विच वी शुड नॉट हैव गॉट तो ऑप्शन ए इज Wrong. इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन ए है ये क्या हो गया क्लास गलत हो गया नेक्स्ट क्या है PSVT, और इनिशियली क्या वैल्यूज है दोनों की वन ही है ठीक है चलो देखो अभी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है एस का वैल्यू कितना है क्लास वन टी का वैल्यू कितना है पी एक है क्यू ठीक है P of S जीरो जीरो V of T P of T वन वन V of S चलो जी फटाफट स्टार्ट करते हैं S इज इक्वल्स टू वन इसने इसको डाउन किया स्ट्रिंग जीरो प्रिंट करा दिया मीन वाइल अगर हमारा कंटेक्ट स्विच होता है T इज इक्वल टू वन वन ही था इसने भी इसको जीरो प्रिंट किया वन जीरो हो गया मीन वाइल फिर से अगर आप कंटेक्ट स्विच करेंगे तो S इज इक्वल्स टू वो तो पहले से ही डाउन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है जीरो वन जीरो सो अगैन वी हैव गॉट द स्ट्रिंग विच वी शुड नॉट हैव गॉट दैट ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी भी गलत है नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है सिर्फ एस इज इनिशियली वन टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है पीएस वी एस पी एस वी एस वाह पी एस वी एस पी एस वी एस चलिए ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं इसमें बोला जा रहा है क्लास की एस इज इनिशियली वन आपके पास है पी आपके पास है क्यू पी एस मुझे पहले ये लिखना है वी एस पी एस वी एस जीरो जीरो वन वन प्रिंट कराना है सबको मालूम है ठीक है अब चलिए पहले s इज इक्वल टू वन आपने इसको डाउन किया आपका एक स्ट्रिंग मान लीजिए जीरो हो गया अब मान लीजिए इफ यू डू द कंटेक्स स्विचिंग अगर आप कंटेक्सट स्विचिंग करेंगे क्या ये पॉसिबल है क्योंकि अब आपको क्या करना है पी ऑफ एस यानी एस का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है ना वो फिर से उसके ऊपर बोल रहा है कि आप एस को डाउन करिए मैं क्या बोलना चाह रही हूं आप लिख लीजिए दैट इफ वी डू कंटेक्सट स्विच हेयर P of S is not possible. P of S class possible नहीं है क्यों नहीं है? As S is already down ना S जो है वो already down है. So therefore आपका ये जो one one वाला code है, this could not be printed. ये print नहीं होगा. ठीक है यानी कि definitely इसके बाद इसको next zero ही print कराना पड़ेगा. यानी कि क्या होगा जीरो जीरो जब प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग उसके बाद एस का वैल्यू जो कि अभी हमने वन से जीरो करा था जाने के बाद वो तो फिर से वन करेगा एंड लाइकवाइज उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एस को डाउन कर कर आप वन वन प्रिंट करा सकते हैं अभी टी नहीं डाउन हो रहा है एस डाउन हो रहा है समझ रहे हो तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग बनेगा वो जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन यही आएगा दैट मीन्स वी हैव नॉट गॉट द स्ट्रिंग विच वी शुड नॉट हो किस तरीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वी हैव ंग हमें वो स्ट्रिंग नहीं मिला जो नहीं मिलना चाहिए था वी हैव नॉट गॉड डिंग विच वी शुड नॉट है मतलब क्या हुआ ऑप्शन सी इज करेक्ट तो दैट मीन्स विच इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर येस और नो ठीक है दोबारा से देखिएगा जो समझाया जा रहा है कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछेगा टेस्ट में मैं इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल दूंगी कि सेट हों तो ये नहीं समझ में आएंगे तो इसे डिफिकल्ट कैसे करोगे ओके okay? इससे भी डिफिकल्ट और थोड़ा सा कर दिया जाएगा लाइक क्वेश्चंस क्वेश्चन लेकिन आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बहुत क्वेश्चन आपको आज सवाल करवा दे रही हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ थ्री

करेगा देखिए ऐसा सिनेरियो तो आपको डेफिनेटली पता है कि पहले आप रन 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 कर assume, कर कर लीजिए लेट्स जस्ट फिर फिर हम रहे रहे हैं हैं ऐसे करके देखते हैं पहले पी नॉट फिर पी टू ठीक है आप जानते हैं कि पीवन आप ध्यान से देखें वाइल्ड लूप के अंदर नहीं है इट इज गोइंग टू रन वन टाइम ओके लेकिन P0 नॉट कैन रन एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन रन

जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन ये तो आपका पी नॉट चला अब कौन चलेगा लगे पी वन चलेगा पी वन जब चला ये एस वन को वेट करा दे रहा है यानी कि अब एस वन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा टू uh, था यानी कि अब कितना हो जाएगा वेट ऑफ एस वन टू था एस वन इसको ये क्या कर देगा वन कर देगा और उसके बाद ये रिलीज कर दे रहा है एस नॉट को एस नॉट को रिलीज कर दे रहा है इसका मतलब क्या है देखिए पी नॉट आप ध्यान से देखिए जैसे ही पी नॉट ने यहाँ पर एस नॉट को जीरो कर कर एक जीरो प्रिंट करा दिया क्या ये दोबारा चलेगा भी नहीं चलेगा ना अगर दोबारा मान लीजिए मीन वाइल अगर पी नॉट चाहता है मैं एंटर करूं कैसे जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ही एस नॉट डाउन है किसी को तो एस नॉट को आप करना पड़ेगा ना तो देखो कर रहा है यहाँ पे देखो ये जो पी वन है ये एस नॉट को आप कर रहा है ठीक है तो एस नॉट को जैसे ही इसने आप किया ये वैल्यू क्या हो गई वन जीरो प्लस वन वन अब मान लीजिए पी नॉट अभी नहीं जाता, कि अगर पी टू जाता है पी टू जा रहा है तो देख लेते हैं ये क्या कर रहा है, 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 है किससे तो उसे वन प्लस वन तो अब पी नॉट को चांस मिलेगा पहले तो देखिए पी नॉट रन नहीं कर पा रहा था लेकिन क्योंकि इसने एक बार अप करने की कोशिश करी इसने एक बार अप करने की कोशिश करी तो अब पी नॉट चलेगा ठीक है तो अब अगर पी नॉट चलेगा तो एस नॉट का वैल्यू अभी आपने देखा कितना था टू अब इसने वन कर दिया यानी पहले एक जीरो स्ट्रिंग था अब एक और जीरो प्रिंट हो जाएगा ठीक है और ये क्या कर रहा है ये रिलीज कर दे रहा एस वन का वैल्यू को क्या कर दे रहा है अब कर दे रहा है एस वन का वैल्यू लास्ट कितना था वन यानी अब क्या हो गया टू और एस टू का वैल्यू कितना था जीरो यानी क्या कर देगा वन कर देगा इसके बाद फिर से कौन रन करेगा क्लास पी नॉट रन करेगा क्योंकि ये वाइल्ड लूप में है ठीक है फिर से एस नॉट का वैल्यू देखो कितना था वन था यानी एक ही बार और चलेगा आपको समझ भी आ रहा है यानी कि वन टू थ्री तीन जीरो प्रिंट करेगा और एस वन की वैल्यू को थ्री कर देगा एस टू की वैल्यू को टू कर देगा फिर मान लीजिए अगर पी टू रन करना चाहता तो क्या ये रन करेगा नहीं करेगा क्योंकि ये एस नॉट की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है अगर आप उसको डन डाउन uh, करने की कोशिश करेंगे सो दिस इज नॉट पॉसिबल तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो पी नॉट है वो जीरो प्रिंट करवा रहा है तो मिनिमम आप देख सकते हैं क्लास इट इज डूइंग टू टाइम्स मिनिमम कितना है एटलीस्ट टॉइज मिनिमम पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस तो अगर आपसे पूछ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं एटलीस्ट यहां पर तो दिख ही रहा है एटलीस्ट टू टाइम्स तो करेगा ही हियर द राइट आंसर इज एज यू कैन से डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम भी पूछा जाता है तो मिनिमम ये टू टाइम्स तो डेफिनेटली करेंगे और मैक्सिमम कितना कर रहा है थ्री टाइम्स इससे ऊपर ये नहीं करेगा थ्री टाइम्स से ऊपर जीरो किसी भी केस में आप चले जाइए नहीं करेगा अगर आप कर सकेंगे कोई केस तो आप बताइएगा मुझे लेकिन एज पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट गोइंग टू रन मोर देन थ्री टाइम्स द जीरो यस और नो ये क्वेश्चन क्लास बड़ा अच्छा था ये टू गेट में पूछा गया है क्लियर है एंड लेट्स जस्ट सॉल्व हाउ मेनी मोर क्वेश्चन ओके

extremely important from your exam point of view ठीक है तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करिएगा अभी भी मैं सब बच्चों को बोल रही हूं जो जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल नहीं करे हैं प्लीज आप लोग इनरोल करिए आप देख ही रहे हैं हम कितना मेहनत कर रहे हैं इतने ही मेहनत से इतने ही दमदार तरीके से आपको आपके टेस्ट सीरीज मिलेंगी टेस्ट सीरीज ऐसे मिलेगी कि आपका एग्जाम आपके पास डेफिनेटली होगा जैसे सर स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि आपको एन, एन, एन में आपके हाथ में पकड़ा दूंगा ही कैन डू इट बट ही कैन ओनली डू इफ यू विल ट्रस्ट yourself सेल्फ आप लोग खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर रहे हैं आपका काफी लोगों का मैंने ये थॉट प्रोसेस देखा है कि अभी मेरे पास दो महीना है तीन महीना मेरा तो अभी तक सब्जेक्ट नहीं हुआ सब्जेक्ट नहीं हुआ मुझे नॉलेज नहीं हुआ करके करूंगा क्या मैं टेस्ट सीरीज कैसे अपियर कर सकता हूँ अगर आपको बोल दिया जाएगा कि तीन दिन बाद पेपर है और ये ये टॉपिक आने हैं इसी बहाने आपके वो पर्टिकुलर दो दो टॉपिक चार टॉपिक पांच टॉपिक तो कंप्लीट आप कर लोगे उसके लेक्चर्स आप कहीं से भी देख रहे हो जो भी कर रहे हो एक नोट्स तो बना लोगे वो टॉपिक तो आपका स्ट्रेंदन हो गया ना लेकिन अगर आप ये सोचोगे की मेरा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में टेस्ट सीरीज कर रहा हूं ये अप्रोच नहीं चलेगी एग्जाम सर पर आ जाएगा और आप लोग बस थेरी का वो टॉपिक ही कंप्लीट करते रह जाएंगे मैं खुद ये सब फेजेस से गुजरी हूं इसीलिए आपको बोल रही हूं कि यू पीपल शुड नॉट थिंक अबाउट मनी राइट नाउ यू पीपल जस्ट फोकस एंड थिंक लाइक आपको सिर्फ ये सोचना है आ, कि जैसे वो कि भाई मेरे को सिर्फ एक फिश दिख रही है उसकी आंख है और उस आंख के अंदर वो है। मेरा एक रिक्रूटमेंट है बस वो दिखना चाहिए दैट शुड बी योर फोकस उसके बीच में कोई भी हर्डल्स आए हम उसको पार करेंगे सब कुछ हम करेंगे ठीक है सो विद दिस आई एम एंडिंग टूडे लेक्चर एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई वुड want all of you to be in the test series and if you are liking our lectures if you are understanding the things please do like share please do share as much as you can and comment thank you all stay tuned i would be soon uh, uh, uh soon with a new topic very soon okay i would be there with a new topic very soon so that is all for today class thank you keep learning keep studying and keep enjoying the lectures thank you all